अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। वाराणसी में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बीएचयू के एमपी थिएटर ग्राउंड में डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सिविल प्रशासन और भारतीय सेना के संयुक्त प्रयास से कोविड 19 मरीजों के लिए 750 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। आज इस अस्थायी अस्पताल के पहले चरण में 250 बेड के अस्पताल को शुरू किया गया। आज से शुरू हुए अस्पताल में वाराणसी के विभिन्न अस्पतालों में कोरोना के गंभीर मरीजों को यहां शिफ्ट किया जाएगा, जिससे गंभीर मरीजों के इलाज को और बेहतर तरीके से किया जा सके। यहां शिफ्ट होने के बाद वाराणसी के विभिन्न अस्पतालों में जो बेड खाली होंगे वह दूसरे मरीजों के लिए उपलब्ध रहेगा। अस्थायी कोविड हॉस्पिटल का नाम स्वर्गीय राजन मिश्र के नाम पर रखा गया है। इस अस्थायी हॉस्पिटल में कोविड 19 के मरीजों के लिए ऑक्सीजन से लेकर सभी उच्च तकनीकों के स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। डीआरडीओ द्वारा जो अस्पताल स्थायी अस्पताल का निर्माण किया गया है, इसे कब से सर संचालित हो जाएगा, क्या इसमें सब व्यवस्था है? डीआरडीओ के अधिकारियों के द्वारा बहुत ही बेहतरीन है, पिछले 16 दिनों में दिन रात मेहनत करके ये अस्पताल वाराणसी का तैयार किया है और अब वो घड़ी आ गई है जब इसमें पेशेंट्स का एडमिशन शुरू होगा। मुझे लगता है कि 24 घंटे में एक भी मिनट अधिकारियों ने चैन की सांस नहीं ली होगी। इसी के साथ आर्मी ने बहुत जल्दी मोबिलाइजेशन करते हुए आर्मी मेडिकल कोर और यहाँ पे जो हमारे मेजर जनरल साहब हैं उनकी तैनाती करते हुए सारे स्टाफ को उपलब्ध कराया है। आज लगभग कुछ ही घंटे बाद इसका संचालन प्रारंभ हो जाएगा। कुछ लास्ट मिनट की ब्रीफिंग और सब व्यवस्थाएं 2-3 घंटे की बची हैं। दोपहर के बाद सारे पेशेंट इसमें आने शुरू हो जाएंगे और जैसे आर्मी ने डिसाइड किया कि 250 बेड जो क्रिटिकल केयर के हैं आईसीयू के, वो पहले चलाने चाहिए हमें, क्योंकि उन्हीं बेड की सबसे ज़्यादा कमी है। तो जितने भी आईसीयू के पेशेंट्स होंगे अलग अलग अस्पतालों में, उनका रेफरल आज करा के यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा और बाद में प्राइवेट अस्पतालों से या अन्य जनपदों से भी जो लोग आएंगे उनको एडमिशन दिलाएंगे। जो 500 बेड हैं वो 1-2 दिन के बाद हम लोग चलाना शुरू करेंगे, ताकि जो बाकी पेशेंट्स हैं जो अलग अलग जगह पे जिनको एडमिशन की दिक्कत आती है वो यहाँ पे एडमिट हो सके। हालांकि इस अस्पताल के संचालित होने से और सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मरीज शिफ्ट होने से लगभग 250 बेड वाराणसी में अन्य अस्पतालों में भी खाली हो जाएंगे जो बाकी पेशेंट्स के काम आएंगे। तो सारी व्यवस्था यहाँ पे डॉक्टर्स की, नर्सिस की, पैरामेडिकल स्टाफ की, दवाइयों की, फेस शील्ड पीपी किट वगैरह की और इसके साथ ऑक्सीजन वगैरह की पूरी हो गई है। और आज से ये जो पूरा अस्पताल है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन के अकॉर्डिंग वाराणसी की सेवा के लिए तैयार हो जाए। सर, डॉक्टर्स जो होंगे वो क्या मतलब आर्मी के होंगे या फिर बीएचयू के भी इसमें शामिल होंगे? ये वर्तमान में 250 बेड का जो हॉस्पिटल है इसमें प्राइमरीली आर्मी के डॉक्टर्स हैं, लेकिन इसमें ऑन कॉल डॉक्टर्स बीएचयू के रखे गए हैं, क्योंकि अन्य प्रकार की दिक्कतें भी पेशेंट्स को हो सकती हैं। कोविड के अलावा कोई अन्य हार्ट की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, उनके डॉक्टर्स यहाँ पे आके देखेंगे। इसके अलावा बीएचयू के जो बाकी कोविड नेगेटिव होने के बाद कई बार हो सकता है कि बीएचयू के अंदर बाकी हॉस्पिटलों में मरीजों को शिफ्ट करना पड़े। जो आगे अस्पताल चलाए जाएंगे 500 बेड के, उसमें भरपूर बीएचयू के ही डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ रहेंगे, उनकी ड्यूटी लगा दी गई है और सारे मिलके आर्मी और बीएचयू के डॉक्टर्स के सहयोग से ही ये चलेगा। और जब ये पूरे अस्पताल अपने फुल कैपेसिटी पे आ जाएगा तो उस समय लगभग 50-50% दोनों के स्टाफ रहेंगे और बाकायदा कोऑर्डिनेशन मीटिंग और ड्यूटीज़ की ब्रीफिंग सब हो चुकी हैं और बाकी सारी व्यवस्थाएं जो हैं बीएचयू के कैंपस में होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बाकी हॉस्पिटल और बाकी मैनेजमेंट का भी पहले से ही ज़्यादा स्कोप है। सर, मरीज के तीमारदार आएंगे तो उनके भी रहने या उनकी क्या व्यवस्था सर यहाँ पर? मरीज के तीमारदारों के लिए यहाँ पर शेड बनाए गए हैं और बाकायदा अंदर 5 मोबाइल सीयूजी सहित दिए गए हैं डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स सुबह शाम 1-1 घंटे उन सीयूजी नंबर के माध्यम से बाहर पेशेंट्स की बात करवाएंगे, पेशेंट से बात करा के उनका हालचाल पूरा बताएंगे और जब जब यहाँ ब्रीफिंग होगी तब तब अटेंडेंट यहाँ पे आएंगे। इसके अलावा अटेंडेंट्स के रहने की व्यवस्था भी बीएचयू के गेट पे सेवा भारती के माध्यम से टाई अप करके, जो पहले से उनका शेड चल रहा था जिसमें 20-30 बेड उनके लगे हुए हैं, निःशुल्क कोई रहना चाहे परमानेंट कुछ दिनों के लिए तो वो भी व्यवस्था है। भोजन की व्यवस्था ऑलरेडी हमारे सभी सरकारी अस्पतालों में अलग अलग एनजीओस के माध्यम से वाराणसी में चल रही है, उसी के माध्यम से पूर्ति विभाग उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो वो भोजन की व्यवस्था अटेंडेंट्स को निःशुल्क यहाँ पे कराई जाएगी ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो। बाकी इसके अलावा भी प्रशासनिक अधिकारियों के बैठने के स्थान, जो डेथ सर्टिफिकेट जारी होने हैं उनके बैठने का स्थान या ट्रायज एरिया, वो सारे बनाए गए हैं, तो पेशेंट्स को किसी प्रकार की समस्या यहाँ पे नहीं आएगी। सर, तीसरे वेव को लेकर के अगर बात किया जाए तो अभी क्या सर प्रशासन के द्वारा किस तरह से तैयारी है? तीसरी वेव की भरपूर तैयारी वाराणसी में अभी से प्रारंभ कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी से निर्देश दिए गए हैं
कि जैसे दूसरी वेव अचानक आई थी, इसी तरह तीसरी वेव भी किसी भी महीने में अचानक आ सकती है। तो हम लोग जैसे ही, क्योंकि अब सेकेंड वेव में पेशेंट्स घटने लगे हैं और सारी भी मशीन भी मोबिलाइज है, तो साथ ही साथ ही हमें तीसरी वेव की तैयारी करनी चाहिए। तो जितने सरकारी अस्पताल हैं उसकी ऑक्सीजन प्लांट तो हमने टाइप कर दिए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के CHC में भी ऑक्सीजन के प्रबंध करने हैं, साथ ही बच्चों के बेड बढ़ाने, और जितने भी अस्पताल हैं उनकी सारी इन्वेंट्रियाँ तैयार करनी है कि किसने कितने बेड चलाए थे, किसके पास ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, भविष्य में ऑक्सीजन वगैरह कहाँ से आएंगी, मैन पावर कहाँ से आएगी, एम्बुलेंस वगैरह कहाँ से आएंगी, उनकी पूरी कार्ययोजना हम लोग कोशिश करेंगे कि एक सप्ताह में तैयार हो जाए। साथ ही साथ जहाँ पे जिन मशीन्स का, जिन ऑक्सीजन प्लांट्स का ऑर्डर दिया जा सकता है, वो साथ ही साथ हम देना भी प्रारंभ कर देंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि एक महीने में हम अथक प्रयास करके अगली वेव की तैयारी अभी से कर दें, ताकि वाराणसी में अचानक कभी किसी महीने में ये ऐसी वेव आती है तो तत्काल हम सारी मशीनरी को मोबिलाइज कर सकें। थैंक यू।